याद है तुम्हारी इसी बहन ने मुझमें कत्ल का इल्जाम लगाने की कोशिश की थी। हो सकता है आपने ही मेरी माँ का कत्ल किया हो। वो आपका बेटा समझती नहीं थी, वास्ते भी थी, और आपने क्या किया, बेटे लव को कहानी बना दिया। अरे मान क्यों बच्चों जैसा बिहेव कर रही हो, बात तो सुनो मेरी। क्या सुनाना चाहते हैं आप मुझे, कोई बहाना कोई झूठ बचा है आपके पास जो आज तक आप मुझे बेवकूफ बनाने के लिए नहीं सुना पाए? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता। यही समझती थी मैं जब तक आपका सच मेरे सामने नहीं आया, आंखें बंद करके यकीन करती थी मैं आप पे। कौन सा गुनाह किया है मैंने? तुझसे शादी की है ना, कौन सा अफेयर पकड़ लिया तू? तुम्हें याद होगा तुम ही मुझसे कहा करती थी कि अगर मुझे औलाद चाहिए तो मैं दूसरी शादी कर करता हूं तुमसे, तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए बात शेयर नहीं की मैंने तुमसे। तुमने मुझे मुजरिम बना दिया। यकीनन उस मानूर ने तुम्हारे सहन में मेरे लिए जहर खोला है ना। अपने जराय पर पर्दा डालने के लिए कब तक आप दूसरों पे इल्जाम लगाते रहेंगे? जराइम? कौन सा जुर्म किया है? दूसरी शादी? प्रमाण मुझे मिल गया है जो आपने डाकू से लेकर अलमारी में छुपाया था। वो डाकू नहीं थे ना, आपने भेजा था उन्हें ताकि वो आकर मानूर के पैसे मुझसे छीन सके। रविशा की शादी का कितने में सौदा किया आपने? क्या बकवास कर रही हो? कल रात सब बातें सुन चुकी मैं जो आप तो इसे कर रहे थे। धोखी से मेरा पुराना रिश्ता है, बिजनेस के सिलसिले में हम बात करते हैं, और तुमने ही तो जिद करके शादी करवाई थी ना तौकीर भाई से। मैंने तो इनकार कर दिया था इस रिश्ते के लिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप मानूर और वासे के हक में नहीं थे, फिर अचानक से आपको एहसास हुआ कि मानूर और वासे दूसरे के लिए बेहतर है। आपने उसे मानूर के पास भेज दिया ताकि सब फराज को पता चले और एक बार फिर मेरी बहन की जिंदगी बिखर जाए। मानूर आपके बारे में सब सच कहती रही, मैं उसकी हर बात को झूठ और गलत समझती रही सिर्फ इसलिए कि मेरा घर बच सके। आपकी एक एक बात पर मैंने आंखें बंद करके यकीन किया, और आप हमेशा मेरा यकीन तोड़ते रहे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ मानूर का किया था, उसी ने बताया ना तुम्हें ये सब कुछ। याद है तुम्हारी इसी बहन ने मुझमें कत्ल का इल्जाम लगाने की कोशिश की थी। हो सकता है आपने ही मेरी माँ का कत्ल किया हो।
वो आपको बेटा समझती नहीं थी, वास्ती भी थी, और आपने क्या किया, बेटे लफ्ज को कहानी बना दिया। अरे आज अगर आप मुझ पर हाथ उठाते भी है ना, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। I'm sorry. इस वक्त तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है कि ये बातें समझ में आए। तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। हम बाद में बात करते हैं। वक्त के साथ तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सब कुछ भी नहीं, तुम बस अपना ध्यान रखो।